हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आईसीएआर का टेक्नीशियन वाला जो पेपर आने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। और क्रैश कोर्स में जो पहला टॉपिक होगा वो साइंस का होगा। इसमें हम बायोलॉजी वाला सेक्शन आज कवर करेंगे और लगातार वीडियोज आते रहेंगे जब तक ये पेपर नहीं हो जाता। तो सबसे पहले देखिए, बस इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली बार बार रिपीट करती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जीवधारियों की शाखाओं को कितने पार्ट में या कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है? तो 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। इसे डिवाइड किसने किया है? तो वैज्ञानिक का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हिटेकर ने डिवाइड किया है जीवधारियों को 5 वर्ग में। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग है मोनेरा, दूसरा वर्ग है प्रोटिस्टा, तीसरा है उपादर, चौथा है कवक और पांचवा है जंतु। मोनेरा में क्या चीजें आती है? तो सभी तरह के जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अभी हम बाद में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। प्रोटिस्टा क्या होता है? तो इसमें सभी तरह के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव इसमें आते हैं और यूग्लेना भी इसी में आता है। तो ये पूछा जा सकता है यूग्लेना किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। यूग्लेना एक तरह का पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। फिर आता है पादप, तो पादप एक तरह का वर्ग है ये भी। फिर आता है कवक। कवक के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है कवक में, और ये भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। उसके बाद लास्ट वाला जो वर्ग है वो है जंतु। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टार बना के मैंने लिखी है इसे देख लेते हैं। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बन सकता है फैक्ट से। तो जीवों की द्विनाम पद्धति जो है इसका आविष्कार किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। इंपॉर्टेंट नाम है बहुत ज्यादा। जो वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो किसने दिए थे? तीन वैज्ञानिक ने, तो कैरोलस लीनियस ने। आगे चलेंगे, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो इन वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। फिर है जीव द्रव्य को और क्या कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा जाता है। ये सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में होगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें आती हैं? तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन आता है। तो जीव द्रव्य में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 76%। ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन जो है ये 10% होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 2.5% होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, खासकर कि ये दोनों जो सबसे ज्यादा होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, आपको याद होना चाहिए। आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। फिर है पावर हाउस यानी शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गालजी गाय को। गालजी गाय को यातायात प्रबंधक। फिर है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए की द्विगुणित संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और उसके अलावा रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन जो है वो जिम्मेदार है, कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो ये है फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? फाइब्रिनोजन। इसके अलावा रक्त का थक्का ना जमे, जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर रक्त जम गया तो हमारे लिए हानिकारक है, ये रोके को कौन? हिपेरिन। और हमारा कहीं पे एक कट लग गया और वहां से ब्लड निकल रहा है, वो रोकेगा कौन? फाइब्रिनोजन। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती हैं? ये एग्जाम में पूछा सकता है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन स्टार्ट होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है जो अच्छी खराब चीजें अलग की जाती हैं, फिर मल परित्याग। तो ये 5 प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। ये इसी क्रम में याद होना चाहिए। इसके अलावा भोजन का पाचन हमारा शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से शुरू हो जाता है। तो मुख पहला आएगा, फिर आमाशय में जाता है, फिर पक्वाशय यानी अग्नाशय में जाता है जहाँ पित्तरस वगैरह मिलता है, उसके बाद छोटी आंत, फिर लास्ट में बड़ी आंत में भोजन जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है, जो मल बचा रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसे याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, इसे देख लेते हैं। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। और शब्द किसने पहले यूज किया था? कोशिका शब्द का यूज किसने सबसे पहले किया? रॉबर्ट हुक ने। तो इन्हीं को कोशिका का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? इसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है ये देख लीजिए।
प्रोकैरियोटिक में गालजी का जो ज्यादातर जो चीजें हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती हैं। गालजी काय भी नहीं होता है, माइटोकांड्रिया भी नहीं होता है, केंद्रीय केंद्रिका भी नहीं होती, लिंग प्रजनन भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता है, कोशिका भित्ति जो होती है वो होती है, बस ये इतनी चीजें नहीं होती हैं। गालजी काय, माइटोकांड्रिया, केंद्रिका, लिंग प्रजनन और लाइसोसोम, ये चीजें प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं जबकि यूकैरियोटिक में होती हैं। फिर कोशिका भित्ति जो प्रोकैरियोटिक में होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। वहीं यूकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। यहीं पे एक और डिफरेंस देख लीजिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। लवक पादप कोशिका में होता है, जिसे हरा रंग दिखता है पेड़ों का, या फिर कोई चीजें जो पादप कोशिका से संबंधित होती है उसमें कोई वर्ण पाया जाता है, कोई रंग पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये भी नहीं होता, कोशिका भित्ति भी नहीं होती, जंतु कोशिका में लवक भी नहीं होता। फिर एक चीज है तारक काय। तारक काय जो है पादप कोशिका में नहीं होता जबकि जंतु कोशिका में होता है। तो ये चीज एक डिफरेंस है, तारक काय पादप कोशिका में नहीं होगा, जंतु कोशिका में होगा। रिक्तिका दोनों में होती है, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। अब वर्णी लवक क्या क्या होते हैं, दो तीन वर्णी लवक लिखे हुए हैं, इसे देख लीजिए। टमाटर में जो लवक होता है, जो उसका लाल रंग है, वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर में जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर में जो होता है वो विटामिन के कारण होता है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको UPPCS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो नीचे लिंक दिया है, उससे आप प्रोसेस फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS और RO ERO के लिए हर संडे को टेस्ट होता है, संडे को होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।